पानीपत में फायरिंग के मामले शायद कम थे, जो कि अब हर्ष फायरिंग भी बाकी की कमी पूरी कर रही है। पानीपत में डीजे पर डांस करने के दौरान छोटे भाई की बंदूक से निकली गोली ने बड़े भाई की जान ले ली। गोली लगते ही खुशी का माहौल मातम में पसर गया और चंद सेकंडों में छोटा भाई अपने ही सगे भाई का कातिल बन गया। पानीपत के गांव कुराना में रविवार दोपहर 3 बजे हर्ष फायरिंग में करनाल के रहने वाले वीरेंद्र की मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र सरकारी अध्यापक था। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र को गोली उस वक्त लगी जब वो अपने भाई के साथ एक दोस्त की बारात में पानीपत के गांव कुराना आए थे। इस दौरान छोटा भाई लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर रहा था। जैसे ही वो फायर करने लगा तो उसका पैर फिसल गया और गोली बड़े भाई के जा लगी। वीरेंद्र फिलहाल कुरुक्षेत्र में परिवार समेत रहते थे। डीजे पर डांस करने के दौरान दोपहर करीब 3 बजे हर्ष फायरिंग में छोटे भाई हरेंद्र की लाइसेंसी बंदूक से गोली चली, जो सीधा वीरेंद्र के सीने में जा लगी। वीरेंद्र खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पार्क अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो डीजे पर जैसे नाच गा रहे थे तो बंदूक लोड थी, छोटे भाई से ही अपने बड़े भाई को लगी, पैर फिसल गए। लोग थी नहीं यार सब। कितनी उम्र थी जी? 55 साल का था जी। गवर्नमेंट टीचर था, मोनक में पोस्टिंग थी। जिससे गोली चली वो सगा भाई था जी? सगा भाई था जी, छोटा उनसे। कहाँ थी, कहाँ था? वो क्या काम करते हैं सर? वो उसकी फैक्ट्री है जी, चाउमीन की गांव में। मामला कहाँ का है सर? खैर पुराना गाँव। मृतक के चाचा विजय ने बताया कि वीरेंद्र के छोटे भाई हरेंद्र के गांव बला में ही चौमीन का कच्चा माल बनाने की फैक्ट्री है। इसी के चलते हरेंद्र ने अपना बंदूक का लाइसेंस बनवाया था। मृतक के चाचा के चाची के मुताबिक हरेंद्र के पास 12 बोर की बंदूक है और 32 बोर की रिवॉल्वर है। तो वही वारदात के बाद पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना मिली थी पार्क अस्पताल से, जीएच पानीपत में डेड बॉडी आई है गोली लगने का। उसके बाद मौके पर हमने वेरीफाई किया तो गांव कुराना में मुसलमान के घर शादी थी, वहां बला गांव से बारात आई थी। तो बारात में बराती जो ना अपने साथ असला हथियार बंदूक ले आए थे, तो नाश्ते समय उन्होंने हर्ष फायरिंग की। तो वीरेंद्र है उसके भाई हरेंद्र से गोली चली है और वीरेंद्र को लगी हर्ष फायरिंग करते समय। क्या कार्रवाई की गई फिलहाल पुलिस द्वारा? इनके खिलाफ 304 उसके जो मरने वाला मृतक है उसके भाई रविंद्र की शिकायत पर हरेंद्र के भाई के खिलाफ 304 IPC और आर्म्स एक्ट का प्रचार कर दिया। दोनों सगे भाई थे सर ये? हाँ सगे भाई, दोनों कंप्लेनेंट भी सगा है और मरने वाले तीनों साहब भाई शादी में गए। गिरफ्तारी हुई सर अभी तक किसी की? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसके बाद जैसे कर रहे हैं। पुलिस ने मृतक के भाई रविंद्र की शिकायत पर छोटे भाई हरेंद्र के खिलाफ 304 IPC और आर्म एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और अभी तक आरोपी भाई भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।